कानपुर में दबंगों के हौसले बुलंद है। हाल ये है कि ये स्थगन आदेश होने के बावजूद दलित की भूमि पर जबरन कब्जा किया जा रहा है। दलित परिवार ने विरोध किया तो उसे धमकाया जा रहा है। दरअसल में दलित परिवार ने पुलिस अधीक्षक से शिकायत कर न्याय की गुहार लगाई है। दरअसल यह मामला नगर कोतवाली के अमहट स्थित पूरे घसीटो गाँव का है। इसी गाँव की रहने वाली दलित महिला कमलेश का आरोप है कि गाँव में गाटा संख्या 396 पर अपर जिला अधिकारी के यहाँ बंटवारे का मुकदमा चल रहा है। इतना ही नहीं, इस जमीन पर न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश भी है। इसी के पीछे गाटा संख्या 428 पर डॉक्टर वीके शर्मा ने अपना आर्यश हॉस्पिटल खोल रखा है। दलित महिला को कमजोर समझकर दबंग डॉक्टर वीके शर्मा जबरन स्थगन आदेश वाली भूमि पर सड़क निर्माण करा रहे हैं। कमलेश ने मना किया तो डॉक्टर साहब अपने गुंडों के साथ धमकाने लगे। इसी धमकाने का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। फिलहाल कमलेश ने इस मामले की लिखित शिकायत पुलिस अधीक्षक सुल्तानपुर से कर कार्यवाही की मांग की है। वहीं पुलिस अधीक्षक ने इस मामले में कार्यवाही का आश्वासन दिया है। जब स्टे है कि जब तक कोई ये हो जाएगा तब तक जो है निर्माण का नहीं होगा। हाँ हाँ, पहले सुना है आप कैसे परमिशन केकरे परमिशन से आप बनाओ था? तो प्रधान खिया खुआ तो हमारे खेत आई हो जान ले खेता तो हमारा नाम कमलेश है। हमारा जो है जमीन का मामला है। जो हम जो है हम वहाँ पर गए थे देखने के लिए अपना खेत, तो वहाँ पर जो है वो लोग बालू गिरा रहे थे बनाने के लिए। तो उन्होंने कहा यहाँ के क्या कर रही हो। हमने कहा हम लोग देखने आए हैं। उन्होंने कहा कि यहाँ से हटो, यहाँ कुछ नहीं है तुम्हारा, बस यही था। तो उन्होंने जो है डॉक्टर साहब ने बोला कि जो है जाओ, जो वो लोग गुंडा बुला रखे थे बोले जाओ जो मारो पीटा जो होगा सब हम देख लेंगे। कौन नाम है डॉक्टर साहब का? बीके शर्मा नाम है। उनके बाप का नाम है छोटेलाल शर्मा। कहाँ है जमीन आपकी? अमहट में है। अमहट में हवाई अड्डा, हवाई मतलब दुदेपुर मोड़ के सामने है। आर्यंत हॉस्पिटल है। शिकायत आपने पुलिस पे की? हाँ किए हैं। क्या आश्वासन मिला है पुलिस? अभी कुछ नहीं, कुछ नहीं मिला। कौन कौन लोग थे जो कब्जा कर रहे थे जमीन आपकी? ये पता नहीं है, डॉक्टर साहब गुंडा बुला रखे थे, ये तो पता नहीं है कौन थे। डॉक्टर साहब कह रहे थे जाओ मारो पीटो, हम जो होगा तो सो देख लेंगे।